Hello students, welcome to my YouTube channel How Chemistry Seekhe. Let's enjoy chemistry. Hope all of you are fine and preparing well for the exams. Today onwards, I am going to start a lecture series on photochemistry. In this first lecture, I am going to take photochemical and thermochemical reactions. सो so, आओ केमिस्ट्री सीखें लेट्स एन्जॉय केमिस्ट्री बिफोर वी कम टू द एक्चुअल टॉपिक अस बिगिन विद ए बेसिक क्वेश्चन दैट इज व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन आप अपने ज्ञान के आधार पर बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन का मतलब पुराने बॉन्ड्स का टूटना और नए बॉन्ड्स का बनना दैट इज ब्रेकिंग ऑफ old bonds and formation of new bonds it can also be defined as breaking of old bonds present in the reactants and formation of new bonds which lead to formation of product for example when a hydrogen molecule reacts with an iodine molecule it gives two molecules of hydrogen iodide what actually takes place during the course of this reaction can be understood with this pictorial representation. Here is the hydrogen molecule, and this bigger one, violet one, is the iodine molecule. These two react to form two molecules of HI. So, what really happens during the course of this reaction is breaking of bond. Present between two hydrogen atoms and breaking of bond present between two iodine atoms and formation of new bonds between a hydrogen atom and an iodine atom. So it leads to formation of two molecules of HI. During the course of this reaction, since old bonds are broken, and some new bonds are formed it can be called as a chemical reaction but the real question arises that how do these bonds break a bonds to take normally the bonds present in the reactant molecules can be broken in two ways generally मॉलिक्यूल के अंदर उपस्थित बॉन्ड्स को दो तरीकों से तोड़ा जा सकता है द फर्स्ट वन इज बाय सप्लाइंग द हीट एंड द सेकेंड मेथड इज बाय सप्लाइंग द लाइट रेडिएशन ऑफ सुटेबल इनर्जी सो लेट अस स्टार्ट अनदर बेसिक क्वेश्चन व्हाट इज़ फोटोकेमिस्ट्री फोटोकेमिस्ट्री कैन बी डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद केमिकल रिएक्शंस कॉज बाई द एब्जॉर्बसन ऑफ फोटोन्स हुई इन द विजिबल एज वेल एज अल्ट्रावाइलेट रीजन फोटो केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वह शाखा है जिसमें उन केमिकल रिएक्शंस को पढ़ा जाता है जो कि विजिबल और अल्ट्रावायलेट रीजन की वेवलेंस को यूज़ करके की जाती हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएँ जो विजिबल लाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रजेंस में होती हैं उन्हें फोटोकेमिस्ट्री में पढ़ा जाता है हर इज द स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएसन वी सी इट स्टार्ट्स फ्राम गामा रेज इवन बिफोर दैट कॉस्मिक रेज and it goes up to long radio waves and if we move from left to right the wavelength increases and frequency decreases so does the energy so gamma rays x rays ultraviolet rays these are the radiations in the decreasing order of energy reactions can take place even in presence of gamma or x rays but दीज रिएक्शंस आर नॉट स्टडीड अंडर फोटो केमिस्ट्री गामा रेज और एक्स रेज की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रियाओं को फोटो केमिस्ट्री में नहीं पढ़कर एक अलग ब्रांच रेडिएसन केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है और अल्ट्रावायलेट और विजिबल लाइट की उपस्थिति में होने वाली केमिकल रिएक्शंस को फोटो केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है इनमें से अल्ट्रावायलेट रेडिएसन 200 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाला होता है जबकि विजिबल रेडिएशन 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर वेवलेंथ का होता है एज आई टोल्ड हायर एनर्जी रेडिएशंस लाइक एक्स रेज एंड गामा रेडिएशंस आर ऑल्सो कैपेबल ऑफ इंड्यूसिंग केमिकल रिएक्शंस बट दोज केमिकल रिएक्शंस

ऊष्मीय अभिक्रियाएं अर्थात वो केमिकल रिएक्शंस जिन्हें गर्म करके शुरू किया जा सकता है द केमिकल रिएक्शंस विच कैन बी इनिशिएटेड बाय हीटिंग और दूसरी तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस दैट इज द केमिकल रिएक्शंस विच कैन बी कॉज बाई द एब्जॉर्बसन ऑफ फोटोन्स ऑफ विजिबल एंड अल्ट्रावाट रेडिएशन नाउ वट इज़ द डिफरेंस बिट्वीन फोटोकेमिकल एंड थर्मोकेमिकल रिएक्शंस लेटस स्टडी दीज डिफ्रेंसेज वन बाई वन इन दोनों में पहला और सबसे महत्वपूर्ण डिफरेंस है कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस केवल लाइट को एब्जॉर्ब करने पर ही हो सकती हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस कैन टेक प्लेस ओनली ऑन एब्जॉर्बसन ऑफ लाइट जबकि थर्मोकेमिकल रिएक्शंस तब होती हैं जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हीट एब्जॉर्व करते हैं या हीट इवाल्व करते हैं दूसरे शब्दों में फोटोकेमिकल रिएक्शंस के लिए लाइट इज द प्राइमरी रिक्विजिट फोटोकेमिकल रिएक्शंस के लिए पहली आवश्यकता है लाइट की उपस्थिति यह लाइट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो सकता है या विजिबल रेडिएशन हो सकता है जबकि थर्मोकेमिकल रिएक्शंस में लाइट की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है थर्मोकेमिकल रिएक्शंस कैन टेक प्लेस इवन इन डार्क नंबर तीन फोटोकेमिकल रिएक्शंस पर टेम्परेचर का प्रभाव नहीं के बराबर पड़ता है द रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर नॉट अफेक्टेड बाई टेम्परेचर जबकि थर्मोकेमिकल रिएक्शंस में टेम्परेचर का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और टेम्परेचर बढ़ाने पर थर्मोकेमिकल रिएक्शंस की अभिक्रिया गति रेट कई गुना बढ़ जाती है इसके अलावा फोटोकेमिकल रिएक्शंस में दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स होने पर किसी विशेष रिएक्टेंट को एक्साइट करना संभव है जबकि बाकी रिएक्टेंट्स को वैसे ही रखा जा सकता है जबकि थर्मोकेमिकल रिएक्शंस में जब भी हीट सप्लाई की जाती है या टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो जितने भी रिएक्टेंट होते हैं वो समान रूप से एक्साइट होते हैं या दूसरे शब्दों में कहें थर्मोकेमिकल रिएक्शंस में सेलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक रिएक्टेंट फॉर एक्साइटेशन इज़ नॉट पॉसिबल विच इज़ पॉसिबल इन फोटोकेमिकल रिएक्शंस और इन सबके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है वो डिफरेंस है कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस की चेंज इन गिब्स एनर्जी कभी कभी पॉजिटिव भी हो सकती है और इन अदर वर्ड्स डेल्टा जी ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस मे नॉट बी नेगेटिव ऑल द टाइम्स इट मे भी पॉजिटिव एट टाइम्स जबकि थर्मोकेमिकल रिएक्शंस में कोई भी ऐसी थर्मोकेमिकल रिएक्शंस नहीं होती है जिसके लिए डेल्टा जी पॉजिटिव होती हो डेल्टा जी ऑफ ए थर्मोकेमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव सो दीज आर द फाइव बेसिक डिफ्रेंसेस बिटवीन फोटोकेमिकल रिएक्शंस एंड थर्मोकेमिकल रिएक्शंस डियर स्टूडेंट्स आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द डिफ्रेंस बिट्वीन फोटोकेमिकल एंड थर्मोकेमिकल रिएक्शंस और डे टू डे लाइफ में इस्पेसली केमिस्ट्री लैब के अंदर जिन रिएक्शंस को हम अलग अलग अवसरों पर कैरी आउट करते हैं उनमें से अधिकतर रिएक्शंस थर्मोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं ये वो रिएक्शन होती है जहाँ बीच बीच में रिएक्शन मिक्सचर को गर्म करने की ठंडा करने की ज़रूरत पड़ती है अर्थात वी आर ट्राइंग टू चेंज द रेट ऑफ दोज रिएक्शंस बाय चेंजिंग द टेम्परेचर सो जहाँ पर टेम्परेचर अपना रोल प्ले कर रहा है रेट डिटर्मिनेशन में इट इज़ अंडरस्टूड दैट दोज रिएक्शंस आर थर्मल रिएक्शंस लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे डे टू डे लाइफ में हमें फोटोकेमिकल रिएक्शंस देखने को नहीं मिलती हैं देर आर ए नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स फ्रॉम आवर सराउंडिंग्स वेर वी कम अक्रॉस द फोटोकेमिकल रिएक्शंस तो इस अंतिम स्लाइड में मैं आपको फोटोकेमिकल रिएक्शंस के कुछ एग्जाम्पल्स शो करने जा रहा हूँ पहला एग्जाम्पल है ये आप देख रहे होंगे कि एक स्वेटर है अब आपको ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा आप देख सकते हैं कि पहली तस्वीर में जो स्वेटर है वो थोड़ा सा धुंधली है उसका रंग धुंधला पड़ चुका है जबकि दूसरी स्वेटर का रंग थोड़ा सा डार्क है ऐसा आपने अपने दैनिक जीवन में अक्सर देखा होगा कि कपड़ों को अगर हम धूप में फैलाएं तो उनका रंग धुंधला पड़ जाता है सो फेडिंग ऑफ द क्लॉथ्स इज़ ड्यू टू फोटोकेमिकल रिएक्शंस इसीलिए कई बार सलाह भी दी जाती है कि गहरे रंग के कपड़ों को उल्टा करके धूप में सुखाना चाहिए इसके अलावा आपने अपने डे टू डे लाइफ में देखा होगा कि पॉलीथीन या दूसरे तरह के प्लास्टिक जिन्हें हम कहते हैं कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं लेकिन अगर धूप में रखे रहें तो ये प्लास्टिक धीरे धीरे करके टूटने लगता है सो वेदरिंग ऑफ प्लास्टिक इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस आप लोगों ने देखा होगा पढ़ा होगा कि दवाओं की शीशियों के ऊपर लिखा जाता है कि प्रोटेक्ट फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट लाइट सो दवाओं को डायरेक्ट सनलाइट से प्रोटेक्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि इन मेडिसिन के अंदर प्रेजेंट केमिकल सनलाइट के प्रभाव में रिएक्ट करके कुछ इनइफेक्टिव या दूसरे केमिकल में कन्वर्ट हो सकता है जो कि अपेक्षित फ़ायदा ना दे या दवा का काम ना करे और इन अदर वर्ड्स केमिकल चेंजेस इन मेडिसिन ड्यू टू सनलाइट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी इन द स्किन

इसीलिए कहा भी जाता है कि अर्ली मॉर्निंग की सनलाइट शरीर के लिए फ़ायदेमंद होती है वन मोर एग्जाम्पल ऑफ फोटोकेमिकल इज फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक दिस फॉर्मेशन जनरली टेक्स प्लेस वैन गैसेज विच आर प्रजेंट इन द एग्जॉस्ट ऑफ ऑटोमोबाइल्स रिएक्ट फोटोकेमिकली ऑन द सर्फेस ऑफ Uh, dust particles present in the atmosphere and one of the best examples of photochemical reactions is photosynthesis where carbon dioxide and water react in presence of chlorophyll to form glucose and oxygen these were some of the examples of photochemical reactions let us take a break at this point in second lecture we will discuss about the various laws of photochemistry thank you for watching stay home stay safe